Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. जी हाँ, सत श्री अकाल दोस्तों, गुरुपूरब की आप सबको लख लख बधाइयां। मैं हूँ आपके साथ में आरजे ईरा। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM और 99.7 FM SD3। यहाँ पे स्टूडियो में वक्त हो चला है हमारा रेवा जी से बात करने का इन दिस शो जिसका नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। हमारे साथ में 2 से 3 बजे के बीच में जुड़े हुए थे रितेश जी, और अगर कुछ लोग उनसे बात करना चाहते हो पर नहीं कर पाए हो तो आप उनको फोन कर सकते हैं। उनका नंबर रहेगा 5109313107। अब वक्त हुआ है रेवा जी से बात करने का, जो रेवा जी लेके आती हैं आपके लिए वास्तु की कंसल्टेशंस, वास्तु की ऐसी टिप्स जो आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत पॉजिटिविटी से भर सकती हैं। जैसे रेवा जी जो हैं वो बात करती हैं डिवाइन टेक्निक्स के बारे में, डिवाइन जो वास्तु की टेक्निक्स होती हैं, एंड दे क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, या फिर अगर आपको कोई आर्किटेक्चर में सर्विस चाहिए डिजाइन करने में। अब बात यह होती है कि कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें टेक्निक्स में रेमेडीज की जा सकती हैं, या फिर अगर शुरू से कोई मकान या ऑफिस, कोई भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप रेवा जी से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि नए स्ट्रक्चर में आपके लिए कौन सी जमीन, कौन सी साइट, कौन सा प्लॉट आपको फेवर करेगा उस चीज के लिए, या फिर अगर आपको डिजाइन बनवाना है अपनी या फिर आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इंटीरियर में कौन से कलर्स कैसे चाहिए होंगे, कौन सी आपकी कलर थेरेपी है, कौन सा कलर सूट करेगा आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके हिसाब से, इन सभी चीजों के लिए आप रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी काम के सिलसिले में रेवा जी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिवली ट्रैवल करती हैं, और जैसे कि पिछले हफ्ते भी ट्रैवल करी थी, लेकिन आज रेवा जी हमारे साथ स्टूडियो में वापस आ गई हैं। आप सभी बात करके, फोन करके बात रेवा जी से कर सकते हैं ऑन द स्टूडियो नंबर 5107701550। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप रेवा जी से स्टूडियो नंबर पे बात नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338। तो बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी बे एरिया के लिसनर्स, जी हाँ, जो जो भी हमारा शो सुन रहे हैं, आप सबको भी सत श्री अकाल, नमस्कार, जय माता दी, जय कृष्णा, जय साई राम, सभी तरह से प्रणाम, क्योंकि आज है गुरुपुरब। तुहानू सब नू मेरी तरफों, डिवाइन वास्तु की तरफों, साडे रेडियो जिंदगी परिवार की तरफों, तुहानू सब नू गुरपुरब दिया लख लख वधाइया। और इसी तरह कहंदे ना कि जिस तरह बाबा जी होए प्रगट होए ते हनेरे नू उन्होंने दूर किया, मैं भी यही दुआ कर दी, हाथ जोड़ के यही बाबा जी अगे अरदास करनी हां कि साडे सब दे जीवन दे जो भी अंधकार है वह हट जाए, क्योंकि बाबा जी का अज है वे गुरपुरब, और इसी तरह साडे जीवन दे विच सुख समृद्धि वधी रहे। बिल्कुल रेवा जी, शो शुरू करते हैं 3:16 यहां स्टूडियो में हो रहे हैं, और हम इंट्रोडक्शन में आपके, मैंने लिसनर से ये भी शेयर किया कि आप डिवाइन टेक्निक्स से, डिवाइन रेमेडीज जो भी होती हैं इंट्यूशन वास्तु की, उससे आप सबकी मदद करते हैं उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में, एग्जिस्टिंग और नए दोनों तरह के जो घर, मकान, ऑफिस, प्लॉट सब होते हैं। तो ये कौन सी टेक्निक्स होती हैं रेवा जी, व्हाट आर दीज टेक्निक्स, और ये क्या आप ऐसा यूज करते हैं या किसको रेफर करते हैं? ईरा, आज का सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है। देखो, पहले जिस समय वास्तु साइंस शास्त्र जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं आज से 5000 साल पहले भी थे, आज भी हैं। साइंस जो भी है ये, उसको जो भी हमने रिसर्च किया है, रिसर्च करके यही देखा गया कि अगर किसी चीज को हम रेनोवेट नहीं कर सकते हैं या अगर हम इसको डिमोलिश नहीं कर सकते तो उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र जो है वो डील करता है, इट डील्स विद द लेंस ओनली। अब लेंस में जिसको हम कह सकते हैं कि, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि दिस इज द ट्रियोलॉजी। अब आपने उस साइट को देखने के लिए, जिसको हम 4 पार्ट्स में उस साइट को देखते हैं, ग्राउंड लेवल भी देखते हैं, उसका बिल्डिंग लेवल भी देखते हैं, फ्लोर लेवल भी और रूम लेवल भी। ये चारों लेवल को हमारे को देखना और इसको बैलेंस करना है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि
अवॉइड किसको हम मेन करते हैं, अगर मैं लैंड की तरफ से लेके चल रही हूँ तो बहुत ही ज्यादा जो हॉन्टेड साइट्स अगर हैं तो दैट इज डी जंक्शन, वाई जंक्शन एंड एक्स जंक्शन प्लॉट्स आर ऑलवेज हॉन्टेड साइट्स। टी जंक्शन, वाई जंक्शन और एक्स जंक्शन, इन तीनों लॉट्स को, ये जो हॉन्टेड साइट्स हैं, इनको समझना एक आपको, जो भी आप किसी से समझें तो कोशिश करिए कि वो एक्सपर्ट हो वास्तु में। सिर्फ ये नहीं है कि वो गूगल से पढ़ लिया तो वो आपको बता दे कि टी जंक्शन सही नहीं है या वाई जंक्शन या एक्स जंक्शन ठीक नहीं है। दैट हैज टू बी एनालाइज प्रॉपरली। ये जो हॉन्टेड साइट्स हैं, टी जंक्शन, वाई जंक्शन, एक्स जंक्शन, इनका एक अपना ही अपना असर है। हम ये सही है कि हम देखते हैं कि अगर वो टी जंक्शन नॉर्थ से आ रही है या ईस्ट से आ रही है, अगर वो नॉर्थ से आ रही है या ईस्ट से टी जंक्शन आ रहा है तो ये मतलब नहीं है कि उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसका भी होगा। सिर्फ ये होता है कि एक पैरामीटर उसका जो लेवल कमती बढ़ती हो जाता है। लेकिन वाई जंक्शन एक्स जंक्शन तीनों का ही अपना अपना असर है और तीनों का ही नेगेटिव असर है। एक्स जंक्शन में खास तौर पर मैंने कई बार देखा है एक्स जंक्शन में कि एक दूसरे को फेसिंग आ जाता है। अब क्रॉसिंग अगर हम अपने फोर रोड्स लिए हैं तो फोर रोड्स जो है वो एक्स जंक्शन नहीं आता है, फोर रोड्स आपकी बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं रोड, लेकिन जो एक्स जंक्शन आएगा वो दूसरी तरफ आ जाता है। मींस कि जो फोर रोड्स तो हमने ले लिया, क्रॉसिंग को लिया, वो सीधी एक रोड आ रही है, बीच में से एक रोड है जिसको हम लेंगे क्रॉस का, एक्स का 90 डिग्री वो प्लस रहता है, वो प्लस रहता है। मींस कि आपको एनर्जी प्रॉपर मिल रही है, लेकिन अगर एक्स जंक्शन होता वो क्रॉस कर देता एनर्जी को। कि अगर आप एक्स जंक्शन को लेंगे तो एक वी, अगर उसको मैं एक्स को डिवाइड कर रही हूँ तो हाफ वी चला जाएगा अगर एक घर है, और जो दूसरा रिवर्स वी को अगर ले लेंगे, अगर दूसरा घर है और दोनों एक दूसरे घर को फेस कर रहे हैं या वो बैक टू बैक हैं तो दोनों घर को ही नुकसान आएगा जी। और एक्स जंक्शन को कई लोग मैंने देखा है कि जो इसको प्रॉपरली नहीं जानते वो इसको अवॉइड भी करते हैं। एक्स जंक्शन को कभी भी अवॉइड नहीं कीजिए। खासकर ये आपको हिल्स पे मिलेगा, ये आपको सर्कल एरिया में बहुत ज्यादा मिलेगा, जहां पर हमारे को सर्कल मिलता है वहां भी हमारे को एक्स जंक्शन कर भी मिलते हैं। तो अब ये तीनों ही साइट जो हैं हमारे प्लॉट्स हैं, ये हॉन्टेड साइट्स में हम इनको काउंट करते हैं, दैट इज टी जंक्शन, वाई जंक्शन एंड एक्स जंक्शन। अब आ जाती है यहाँ पे टेक्निक्स। जी हाँ, डिवाइन वास्तु टेक्निक जो हमारी स्पेशलिटी है वो यही है कि अगर हम उसको रेनोवेट नहीं कर सकते या उसको हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारी, आप कह सकते हैं तो कॉस्मिक, जो हमारे अर्थ करंट या ग्लोबल एनर्जीज होती हैं उनको लेते हैं। वो चेक करते हैं हम लोग आपके बर्थ चार्ट से भी, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से अलॉन्ग विद द वास्तु कुंडली चार्ट वी ऑलवेज से कि कौन सी उस कुंडली के बीच में या वास्तु चार्ट के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन आपको सूट कर रही है, या उसको इंडिविजुअली या ऑनर या उसको जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को कौन फॉलो, कौन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका क्या प्लैनेट है, उसकी क्या क्वालिटी है, ताकि उसके हिसाब से उसको फायदा दिया जाए जी। आप उसको वो देखना बहुत ही जरूरी होता है। दिस इज अवर फर्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट हम लेते हैं लेआउट जी, जिसको कहते हैं कि लेआउट एंड डायरेक्शनल ग्रिड भी कह सकते हो, क्योंकि जो आपको स्पेस है उसकी प्रोग्रामिंग करनी बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर आपको कहते हैं कि इफ यू वांट टू हेल्प, इफ यू वांट टू मेटलाइज योर डिजायर्स, तो वास्तु स्पेशलिस्ट जो भी होगा वो आपको प्रॉपर उस स्पेस को किस तरह से यूज किया जाए उसमें आपको हेल्प करते हैं। जिसके लिए जो हम वास्तु, डिवाइन वास्तु क्या करता है, हम उसके पास में हमारे पास जो अमेजिंग टेक्निक हम लेके चलते हैं, पेंटिंग्स को लेके, फोटोग्राफ्स को लेके, इसको किस किस जोन पे लिया जाए, इसको वास्तु के किस जोन पे हम इसको रख सकते हैं जिसका हमारे को फायदा मिलता है, वहां इसको यूज करते हैं। एनर्जी लेवल को जिसको हम कहते हैं कि चक्रस हीलिंग वो नहीं कर सकेंगे कि आपने कोई लगा लिया, मशीन लगा लिया और देख रहे कि ऑरा चेक कर रहे हैं, इट्स नथिंग लाइक दिस। एनर्जी सेंस को फील करने के लिए एक तो आपको सेंसेस की भी बहुत होती है, सेंस के लिए जो कईयों को मैंने देखा है कि इवन की जो हमारे मेंटर थे मैंने उनको भी देखा कि इज हैविंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उनके पास में थी जो सेंसेस को फील करने के लिए महसूस कर जी मैंने। और उसी तरह अगर आपको ऑरा को, उसको जगह को एनालाइज को, उसको फील करना है, जिसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज को भी एनालाइज करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस भी चाहिए। स्पेस मंत्रा की टेक्निक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्पेस मंत्रा टिकटिंग जिसको कहते हैं कि वहां पर हम लेके जा सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प। सपोज कर लीजिए नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट हमारा ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है, नॉर्थ वेस्ट को हम नहीं खोल सकते, या नॉर्थ वेस्ट के अलावा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, वहां पर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर आते हैं स्पेस को ठीक करने के लिए टू एनर्जाइज जी।
उसको एनर्ज करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट को करने के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द मून प्लैनेट ऑल्सो. मून एनर्जी को हमारे को इन्हांस करना है, एयर एलिमेंट को इन्हांस करना है, द सेम विद द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो. पर्टिकुलर उस एरिया में हम जरूर ज्योमेटिकल शेप्स की हेल्प लेके उसको रेक्टिफाई करते हैं, जितना भी जो जहां हमारे को वास्तु का डिफेक्ट मिलता है. नेक्स्ट है स्पेस प्यूरिफाइंग टेक्निक्स भी लेते हैं. स्पेस प्यूरिफाइंग टेक्निक्स में हम लेते हैं सॉल्ट लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, एंड समटाइम्स पिरामिड शेप में बना हुआ जो सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं उसको स्पेशल लूनर एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी से उसको मैं एनर्जाइज करके देती हूँ. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिरामिड शेप. यस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये हमारा कब से ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहां जहां हमारे को स्पेस प्योरिफाई टेक्निक देनी है. और इट रियली हेल्प्स, खासकर जहां पर एनर्जी बहुत लो होती है, मीन्स कि अगर घर में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, या डार्कनेस बहुत है, वहां पर पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, पर्टिकुलर उस एरिया में हम इसको यूज करते हैं. फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है जो हमारी हाईली सेंसिटिव प्लेसेस होती हैं, या हमारा सेंटर प्लेस जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं जी. उसको किसे कहते हैं, दैट इज आवर मर्मा टेक्निक्स. मर्मा टेक्निक्स इज आल्सो वेरी पावरफुल टेक्निक जिसको हम यूज करते हैं. और इसको मर्मा टेक्निक को यूज करने के लिए आपको जो वास्तु पुरुष का जो एक मंडल है, वास्तु पुरुष मंडल जिसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर है, साउथ वेस्ट है, उस मर्मा स्थान को मीन्स कि सेवन चक्रास जो हमारी बॉडी के, जैसे एक इंसान की बॉडी के होता है सर से लेकर पांव तक सेवन पॉइंट, उसी तरह से जो हमारे मर्मा स्थान होते हैं जो हाईली सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं. आप कई बार कहते हैं कि आपका हाईली सेंसिटिव पॉइंट अगर आप उसको दबा देंगे तो तकलीफ होती है. हाँ जी, उसी तरह से वास्तु के भी जो सेवन पॉइंट्स हैं, सेवन चक्रास हैं, जो ब्रह्म स्थान पे भी आता है, जो हमारे बर्मा स्थान है, हम उसको भी टेक्निक्स के, डिवाइन टेक्निक्स के साथ में उसको भी रेक्टिफाई करते हैं. अब उन सेवन पॉइंट्स को आप ये नहीं देख लेंगे कि इधर आ गया एक, सर के ऊपर में आ गया जी, गले में आ गया जी, नहीं. हाँ जी, यू हैव टू फील देम. जब उस प्रॉपर्टी पे खड़ी होती हूँ ईरा, तो मैं उन सेवन पॉइंट्स को चेक करती हूँ. वो सेवन पॉइंट्स मुझे कितने हार्ड लग रहे हैं, या वो सेवन पॉइंट्स मुझे कितने नरम लग रहे हैं. उसके जो मर्म स्थान है, जो उसकी फीलिंग्स को पे करना बहुत जरूरी होता है. क्या वहां पर सेंटर है, क्या वहां पे टॉयलेट तो नहीं है, क्या वहां पे किचन तो नहीं है, क्या वो पर्टिकुलर एरिया डिप्रेस तो नहीं हुआ, क्या वो सेवन पॉइंट्स हमारी जो एनर्जी है उसको कोई ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं, या कोई पार्ट हमारा कटा हुआ तो नहीं है. So you have to feel all these seven points properly. नेक्स्ट आ जाता है टू एलिमेंटल द बैलेंस. दैट्स ऑल्सो टेक्निक एक हमारी है. इसको भी जो हमारी डिवाइन स्ट्रिप टेक्निक है उससे हम करते हैं, बैलेंस करते हैं. मीन्स कि सपोज कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, वो कट ऑफ करना है हमारे को, देन वी टेक द हेल्प फ्रॉम दिस ऑल स्ट्रिप्स. वहां हम इसको स्ट्रिप्स की हेल्प लेकर, प्लस स्टेयर्स अगर आपकी सही नहीं है उसको हमको बैलेंस करना है, या स्टेयर्स आपकी डायरेक्शन को, आपकी मेन एंट्रेंस डोर को फोकस कर रही है, फेस कर रही है, उसको हमको बैलेंस करना है. मीन्स कि जहां जहां हमको इसके एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, या उस एनर्जी को काट के दूसरी एनर्जी को लेकर आना है, वहां पर हम इसकी हेल्प लेते हैं जी. खास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर स्पेस सर्जरी टेक्निक. स्पेस सर्जरी टेक्निक देखिए जी, आपके पास मैंने एक बार पहले भी बताया था कि सर्जरी करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं ना, तो क्या लेते हैं आपको, थाई से या कहीं ना कहीं आपकी वेन लेंगे ना जी. डिवाइन वास्तु का क्या है कि हम आपको जब बोलते हैं कि हम स्पेस सर्जरी कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, वो स्पेस सर्जरी में ये नहीं है कि मैं सीजर लेके बैठी हूँ, नीडल लेके बैठी, नो. दीज ऑल डिवाइन टेक्निक्स जो पिरामिडोलॉजी से हम इनकी हेल्प लेते हैं, प्रॉपर इसको यूज करते हैं. मीन्स कि अगर हमारा किचन गलत डायरेक्शन पे है, या मास्टर बेडरूम गलत डायरेक्शन पे है, और हम उसको नहीं चेंज कर सकते, देन वी टेक द हेल्प फ्रॉम दिस. मीन्स कि इसकी एनर्जी हम शिफ्ट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं जी, उस पर्टिकुलर एरिया को कट ऑफ करेंगे. आज मैं सुबह एक जगह में, मैं विजिट में थी, और मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत घर, चाहे वो ओल्ड होम था, लेकिन इतना अच्छा घर इतने देर के एक्सपीरियंस में मैंने आज पहला घर देखा है कि जिसका फॉर्चुनेटली साउथ वेस्ट वॉज जस्ट एलिवेटेड लाइक ए माउंटेन. वाओ, ओके. नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ की तरफ से वो एंटर हो रहा है, एंड साउथ वेस्ट वॉज टोटली एलिवेटेड. द हाउस वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. अब उस घर में सारा घर ठीक है, लेवल बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज राइट, लेकिन वहां पर एनर्जी शिफ्ट करने की जरूरत है. मीन्स कि अगर साउथ वेस्ट में छोटा बेडरूम है, अगर वो छोटे बेडरूम की एनर्जी को, अगर या जो पेरेंट्स है, ऑनर है, हेड है, अगर वो दूसरे डायरेक्शन में सोते हैं, तो वो उनको एनर्जी नहीं मिलेगा. साउथ वेस्ट में बच्चा अगर यूज करेगा, वो डोमिनेट करेगा जी.
सो वहां पर हम इन स्पेस सर्जरी टेक्निक्स को जरूर यूज करते हैं टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन बाय प्लेसिंग ऑल दीज टेक्निक्स, जिसको हम कई बार मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि मैं यहां पे अपने स्पेस प्रोग्रामिंग सिंबल्स भी यूज करती हूं, क्योंकि ये स्पेस प्रोग्रामिंग जो हमारे सिंबल्स हैं या हमारे स्कल्पचर्स हैं, ये हमारे को जो भी जितनी भी हमारी सिंबल के साथ साथ ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ये हमारे को कम्युनिकेट करने देती है, डिजायर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, एस्पिरेशन देते हैं एंड इवन एक्सपेक्टेशन टू द स्पेस इन विच वी लिव. तो वी हैव टू टेक केयर फॉर ऑल दीज थिंग्स. और सबसे आता है फिर लास्ट हमारा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं तत्व शुद्धि. तत्व शुद्धि को इसका मतलब कि जो फाइव एलिमेंट्स हैं इनको बैलेंस करना है, जिसमें हमने कलर भी लेना है, शेप भी लेनी है और उसकी एक्टिविटी भी लेनी है. दीज आर द सिंपल थिंग्स जो हम लेते हैं. और जितने भी हमारे 16 वास्तु जोन्स हैं ये, उन सबकी एक अपनी अपनी एक्टिविटी है और इनको अपना ही सबसे मेन लेकर चलना है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट. इन्हीं को एनलाइट करने के लिए जहां पे मैं लेती हूँ कलर्स की हेल्प लेती हूँ, लाइट्स की हेल्प लेती हूँ, क्रिस्टल बॉल्स की भी हेल्प लेती हूँ. और जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है जिसे हम लेकर चलते हैं पिरामिडोलॉजी, जो हमारा जिप कॉन्सेप्ट है, ये हमारी बेस्ट है अगर हमारे को एक्सटेंशन टेक्निक्स को एक्सटेंशन करना हो. या स्विमिंग पूल साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में है, नहीं बंद कर सकते, प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो जाएगी. बट वी कैन स्विच इट, वी कैन शिफ्ट दिस एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. लेट द स्विमिंग पूल बी देयर. अब मैंने जब उसकी एनर्जी साउथ वेस्ट से मैंने उसकी एनर्जी शिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट में लेके चली गई हूँ, तो वो एनर्जी वहां से शिफ्ट हो गई. तो मुझे साउथ वेस्ट में कुछ तो एनर्जी देनी है ना. ये तो है नहीं कि मैं उसको खाली छोड़ दूंगी, बियाबान छोड़ूंगी. जी. फिर वहां पर हम साउथ की हेल्प लेते हैं, वेस्ट की हेल्प लेते हैं कि उस स्पेस को, उस टेक्निक को बराबर करके साउथ वेस्ट को एलिवेट पे लेकर आ जाते हैं. दिस इज वॉट वी गिव To rectify. These are your remedies. Yes. Great, Reva ji, आपने बहुत अच्छा insight दिया, you know, in your techniques जो आप use करते हैं. मुझे याद है जब आप बोल रहे थे कि you know 7.7 chakras आप follow करते हैं, check करते हैं. I remember आपने कहा था कि वास्तु पुरुष का सर होता है जिस जगह. अब सर पे कोई भारी सामान रख दे तो definitely तकलीफ होगी, right? इसलिए आप हमेशा बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट खाली रखने के लिए. देखिए, that is the life starts. जी. वहां से आना है, साउथ वेस्ट है, वहां पे आपने सब कुछ स्टोर करना है. जी. तो अगर आप साइंटिफिकली भी देख रहे हैं, हर तरीके से हमारी लाइफ ही वहां से शुरू होती है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी शुरू होती है. आवर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमेशा अर्थ इंक्लाइन लेती है. जी. तो साउथ वेस्ट अपने आप ही एलिवेटेड होगा. बट आई वॉज वेरी हैप्पी मॉर्निंग कि मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि साउथ वेस्ट फॉर्चुनेटली इट वॉज सो एलिवेटेड कि वो पूरा का पूरा कॉर्नर ऊंचा लग रहा था. वाओ. And I really liked that house. अच्छा था. That was half job done. एकदम उन्होंने अच्छे से किया था उसे. रिवा जी, वन मोर क्वेश्चन. आपने बोला था कि जैसे पेंटिंग्स वगैरह एक टेक्निक होती है, क्या रखना चाहिए क्या नहीं. हिंदुस्तान में अक्सर ये कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हम लोगों के पुराने घर होते हैं उन सब में अक्सर देखा जाता है कि महाभारत के टाइम की वो पेंटिंग फोटो जरूर होती है, जहां पे कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं. वो पेंटिंग्स कई बार होती है, लेकिन लोग कहते भी हैं कि घर में नहीं होनी चाहिए. उसका कुछ बताएंगे? देखिए, अब आपने महाभारत की, महाभारत में जहां पर कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, वो ज्ञान की बात दे रहे हैं, लेकिन महाभारत का जो सीन है उसको अवॉइड करेंगे. वो जहां, क्योंकि वो युद्ध भूमि आपने युद्ध भूमि को अवॉइड करनी है. लेकिन अगर आपको कृष्णा जी, गोविंदा जी दिखाई दे रहे हैं कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, रथ पे बैठे हुए हैं, तो आप उसको लेके चले जाइए नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे लगाइए, तो आपको बहुत फायदा. नॉर्थ वेस्ट की बिल्कुल. लेकिन अगर आपको महाभारत का पूरा सीन के साथ लगाना है, उसको जहाँ पीछे वो सिपाही वगैरह भी सब होते हैं, वो अवॉइड, जहाँ पे लड़ाई का सीन दिखा रहे हैं सब कुछ, उसको अवॉइड करेंगे तो कर सकते हैं. ग्रेट. रेवा जी, कॉल्स आनी शुरू तो हो गई हैं बहुत देर से, लेकिन एक कॉलर है जिन्होंने अपना मैसेज मेरे साथ में छोड़ा, बिकॉज शी कुड नॉट बी ऑन द फोन. शी सेड कि घर में मुझे पीस चाहिए और ज्यादा, मतलब जितना है उतना शायद काफी नहीं होगा. शी वॉज आस्किंग घर में और पीस हो, उसके लिए क्या करना चाहिए. देखिए, पीस के लिए बहुत ही जरूरी है, दैट इज अ स्पेस प्यूरिफाइंग टेक्निक हमारी. जी. सबसे बेस्ट है. आप जो भी हमारे कॉलर थे जिनका कॉल ड्रॉप हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं सबसे पहले तो एक शाम सन सेटिंग के टाइम पे आदत बना लीजिए कि आपने पूरे घर का लाइट्स को ऑन करना ही करना है. शाम को जरूर से जरूर लाइट्स ऑन कीजिए पूरे. सबसे पहले तो मॉर्निंग में कीजिए. मॉर्निंग में क्या करेंगे, अगर लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं है, जो नेचुरल सनलाइट एनर्जी है उसको घर आने दीजिए, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए, एटलीस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट
विंडोज को जरूर खोलें जी, एक बार पूरी एनर्जी का झोंका आने दीजिए। शाम के समय भी अगर आप नहीं भी खोल रहे हैं तो, लेकिन शाम को पूरे घर का टाइमर फिक्स करें, चाहे वो बाथरूम है चाहे कुछ भी है, पूरे घर में एक बार लाइट्स एटलीस्ट सन सेटिंग के टाइम आधा घंटा जरूर ऑन रहे जी। नेक्स्ट रोज के अगर आप सोचते हैं पीस के लिए और भी अच्छी, मैं आपको एक रेमेडी देना चाहती हूँ, दिस इज वेरी सिंपल। सॉल्ट, रॉक सी सॉल्ट ले लीजिए। रॉक सी सॉल्ट को आप किसी भी बॉटल में या खासकर मॉपिंग के टाइम में उसको जरूर यूज करें जी। टॉयलेट में खासकर आप किसी डिश में जरूर रखें ताकि वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेगा। और मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम अगर आप पूजा करते हैं तो इट्स वेरी गुड। उस समय आप अगरबत्ती या जो भी आपकी इंसेंस स्टिक्स होती हैं, आप सुबह शाम दोनों टाइम घर में जरूर जलाएं और उसको क्लॉक वाइज स्पेशल इन द कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस और ऑल दीज डायरेक्शंस जो हमारे 16 जोन्स आते हैं, इन्हीं डायरेक्शंस में थोड़ी देर एक बार घुमा के, क्लॉकवाइज घुमा के फिर उसको आप भगवान जी की जगह पे रखते हैं। आप ये करके देखिए, आपको खुद भी पता चलेगा कि आप कितना अपने आप में पीस महसूस कर रही हैं। रॉक्सी सॉल्ट आपने कहा, रॉक्सी सॉल्ट से मॉपिंग करें या उसको स्प्रे करें और साथ ही साथ एयर एलिमेंट के लिए जितना भी ज्यादा हो सकता है अगरबत्ती सुबह या शाम जरूर घर में जलाएं, पर उसको ये नहीं कि एक ही जगह पे पड़ी है, उसको एक बार पूरे घर में घुमा दें, इवन कि आप एंट्रेंस डोर तक भी लेके जा सकते हैं फिर उसको रखें। ग्रेट, वेरी गुड रेवा जी, आपने अच्छा ये बताया, बहुत ही सिंपल रेमेडीज थी ये जो सब कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का हमारा पहला कॉल, बहुत देर से होल्ड करके बैठी हैं ये फोन पे। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी फाइनली। हाँ जी, हाँ जी, जय माता दी रेवा जी। जय माता दी जी, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू ईरा जी, आपने मेरा होल्ड देर से कराया हुआ, थैंक यू फॉर होल्डिंग मैडम, सॉरी। सुनने को मिल रही है तो बहुत मन लगता है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बताइए जी। हाँ जी, जो नहीं वो बिल वगैरह होते हैं ना, लेटर वगैरह रेवा जी, वो किस साइड पे रखनी चाहिए, और एलोवेरा का जो एलोवेरा का पौधा है वो रखना चाहिए घर में जले? देखिए जी, एलोवेरा का अगर आप घर पे ना ही रखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी वजह से कई बार हो जाता है कि आप कुछ मेडिसिन की वजह से लेना चाहते हैं, ये कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने घर के बाहर की तरफ में जहां आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मिलता है वहां पे रखें। ठीक है, वहां पे रखिए जी। और जो लेटर वगैरह वो बिल वगैरह किस साइड पे रखनी चाहिए? उनको भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके जाइए। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके जाइए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। लिसनर्स, कॉल लाइन्स ओपन कर दी गई हैं, कोई भी अगर आपके सवाल होते हैं प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर। रेवा जी से कोई वास्तु के बारे में सवाल पूछना चाहें, स्टूडियो नंबर है 5107701550। कॉल लाइन्स आर नाउ ओपन, 5107701550 स्टूडियो का नंबर है। लेकिन अगर आप शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338। लेते हैं अगला कॉल जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। यस हाय, आई वांटेड टू आस्क, मैंने एक बार रेडियो प्रोग्राम में सुना था कि क्रिस्टल टोटल के ऊपर यंत्र हो रखना चाहिए घर पे, तो मेरे पास एक छोटा सा क्रिस्टल यंत्र है विच इज सिटिंग ऑन ए टोटल, तो वो किस एरिया पे रखना चाहिए? देखिए, अगर आपने उसको रखा है तो लेट इट बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, बट इट हैज टू फेस टुवर्ड्स इनसाइड, मींस कि अगर आप अपने घर के नॉर्थ में रखेंगे, इट इज रिलेटेड विद द मनी, जो वेल्थ से है, पैसे से रिलेटेड है, इसको आप नॉर्थ में रखें। अगर अपने घर के अंदर तरफ उसका फेस होना चाहिए। ओके, सो आई हैव माय टोटल फेसिंग आउटसाइड। नो, तो उससे मनी, उससे क्या हो जाएगा, यू नीड द मनी इनसाइड द हाउस, नॉट आउटसाइड। Okay, so north side, not northeast, but north side facing inside. Yes. And does it have to be in the water? एक प्लेट में लाइक वाटर अगर रखें, that's good, that's really good. अगर आप इसको वाटर में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। Okay, thank you. You're welcome. Thank you very much for calling. हेलो, वुप्स, ये कॉल लगता है ड्रॉप हो गई, पर अगर आप रेवा जी से बात करने के लिए ट्राई कर रहे हैं प्लीज डू कॉल अस बैक। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते। हाय रेवा जी। हेलो। हाय, मुझे किसी और के बारे में पूछना था जो कि वो इंडिया में रहते हैं जी, और प्रॉब्लम ये है कि जो आंटी हैं, आई मीन उनके घर में बहुत कलेश चल रहा है, चलता भी रहता है हर टाइम, तो मेरी फ्रेंड बहुत परेशान थी इसलिए वो नहीं बात कर पा रही है, मैं कर रही हूँ उसके बिहाफ में। तो प्रॉब्लम ये है कि आंटी के जो हस्बैंड हैं वो काफी शुरू दिन से ही वो बहुत खराब नेचर के बिहेवियर के हैं, और हमेशा घर पे ड्रिंक वगैरह करते रहते हैं, और फिर वो अपने बेटे के साथ में बहुत मैंने
मैं घर में अच्छा माहौल नहीं रहता जी, तो हमेशा से ही आंटी ने ऐसा ही माहौल देखा है, तो वो अब एकदम से फेडअप हो गई हैं, तो पीस नहीं है कुछ भी घर में, और बिहेवियर एक मेल आदमी का घर में बिहेवियर ऐसा देख के वो और परेशान रहती है हर टाइम। देखिए ऐसा उम्र बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए कुछ? देखिए बिल्कुल आपने सही, कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि यही वास्तु है, वास्तु का आधा पार्ट मेल एनर्जी से होता है, आधा फीमेल एनर्जी के साथ होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि फीमेल एनर्जी बिल्कुल मिसिंग है, मेल एनर्जी ज्यादा होगी तो वो डोमिनेट करती है, डिमांडिंग हो जाती है, ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देती है। इसी को ही हम बोलते हैं कि वी हैव टू बैलेंस इट, बैलेंस दिस एनर्जी, मीन्स कि जो फीमेल एनर्जी है मेल एनर्जी अगर दोनों को बैलेंस करके रखेंगे तो वही हमारे इन्हीं फाइव एलिमेंट से हम फायदा ले सकते हैं। तो मेरी आपसे एक एडवाइस जरूर है कि अगर आप उन्हें ये जानने की कोशिश करिए कि उनका घर किस एंट्रेंस डोर को, जो एंट्रेंस डोर है किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, क्या साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है, या सेकेंड उनको ये जानिए कि उनके साउथ ईस्ट में क्या है, क्या लॉट एक्सटेंडेड है। अगर ये होगा तो जरूर साउथ वेस्ट उनका बहुत नीचा होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है या बहुत ज्यादा उनका ये प्रेशर है। आप डायरेक्शंस को जी बट बोलिए, एक्चुअली इनका तो शुरू दिन से ही है, मेरी वो आंटी मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है उनको शादी हुए कम से कम 30 साल के ऊपर हो गया। अब ये देखिए कि 30 से ही वैसा चल रहा है, अगर शुरू से ही ऐसे चल रहा है तो आप ये भी देखिए कि क्या वो इसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनफॉर्चुनेटली में वो प्रॉपर्टी जहाँ एक घर बदला होगा या दो घर बदला होगा तो वहां पर ही ऐसा कुछ माहौल मिल रहा है कि साउथ ईस्ट ही गलत आ रहा हो, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है। अगर फायर एलिमेंट बैलेंस अर्थ एलिमेंट के साथ नहीं चलेगा तो वहां पर इस तरीके से मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी की प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आप डायरेक्शंस को चेक करेंगे। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि एक बार जरूर चेक कीजिए कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, या वहां मास्टर बेडरूम कहाँ है, क्या लेवल है, उसके मुताबिक मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसको कैसे रेक्टिफाई करिए। एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, ऊपर वाले की मेहर होनी चाहिए, जरूर ठीक होगा। मैं जानती हूं कि 30 साल इंसान अपने जीवन का अगर इसी हालात में निकाले तो एक बार आके पत्थर भी हो जाता है जी। तो फिर भी कह देना कि एक बार कहा यह भी किसी ने कि अच्छे के साथ तो हर कोई गुजारा करता है, मजा है कोई बुरे के साथ कर दिखाए। फिर भी माई हैट्स ऑफ टू हर एंड आई डू रिस्पेक्ट, आप फिर भी मुझे भेजिए, लेट मी चेक जी। और वो आंटी अब बोल रही हैं कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, तो घर में वो वैसा माहौल आता जा रहा है कि किसी को कुछ एक किसी को कुछ हो जाए, ऐसा माहौल बनते जा रहा है। फिर जरूर कहीं ना कहीं साउथ ही साउथ वेस्ट आपका बहुत गलत आ रहा है, कि जो इतना डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ऐसे घर जो होते हैं जहाँ एनर्जी बैलेंस नहीं होती वहाँ सुसाइडल नेचर बन जाती है, ऐसी नेचर आ जाती है। जरूर पूछ के आप मुझे बताइएगा, ऐसे जरूर भेजिए। अगर वो आपकी फ्रेंड कर सकती है, अपनी मदर की हेल्प करना चाहते हैं, आप मुझे कह सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया में भी हो तो भी मैं फेस टाइम करती हूँ, स्काइप ही कर सकती हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। ओके, तो वो एक्चुअली इंडिया में ही है, तो मैं फिर कॉन्टेक्ट करके उससे पूछती हूँ कि कहाँ पे है, आप उनका एंट्रेंस सकते हैं। हाँ, मुझे एक बार ये बताइए सर। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, आई मीन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हीरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, ये अगला कॉल लेते हैं, उसके बाद में विल टेक अ स्मॉल लिटिल ब्रेक। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। आई वॉन्ट टू टॉक टू रेवा जी। जी वेलकम डियर। ओके रेवा जी, आपका ये जो प्रोग्राम है जी, हेलो हेलो, लुक्स लाइक द कॉल गॉट ड्रॉप, लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय, मैं अपना वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ, वो बीमार रहती है ना जी। योर वाइफ? अच्छा, इनकी वाइफ बीमार रहती है। ओके जी। हाँ, अगर आप कुछ सोचते हैं कि उनको तकलीफ रहती है तो उसके लिए आप जरूर सोचिए कि जानने की कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा, या नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी, या नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा, तो फीमेल्स को, घर की लेडीज को हेल्थ इश्यू रहता है, या साथ ही साथ में साउथ ईस्ट में भी मास्टर बेडरूम हो तो भी हेल्थ को इश्यूज रहते हैं। जस्ट फाइंड आउट एंड लेट मी नो जो भी क्या डायरेक्शन है, या किधर किस डायरेक्शन में सो रही है, उसी के मुताबिक मैं आपको रेमेडी दूंगी। तो देखो, वो मेरे जो मेन एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट में है ना? हाँ जी, मेरे एंट्रेंस जो नॉर्थ ईस्ट में, उधर भी जो हम पूजा लाभी जी जो नॉर्थ ईस्ट में है, और जो डोर खोलते इधर लिविंग रूम है, फिर उसके साउथ में किचन है, और फिर उसके ऊपर उसके राइट हैंड साइड मेरा गराज है, गराज के ऊपर मेरा बेडरूम है,
and bedroom is facing east. It means the bedroom is in the west में है, north west में bedroom आता है या south west में bedroom आता है? अगर आपका घर के entrance पे खड़े हैं, बाहर देख रहे हैं, तो you are facing towards north east. Yes. ठीक है. अब आप घर के अंदर आ रहे हैं. जब आप घर के अंदर आ रहे हैं तो आते ही अंदर left side में आपके क्या है? Left side kitchen है. किचन है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपकी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं है तो क्या नॉर्थ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है? एक बाथरूम है, स्टेयर्स के नीचे एक बाथरूम है. हाँ जी, तो स्टेयर्स के नीचे भी बाथरूम है. दिस इज द रीजन जो आपको प्रॉब्लम आ रही है जी. हाँ जी, उसके कुछ रेमेडी है? उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि स्टेयर्स के नीचे जब भी बाथरूम होता है, मैं सभी लिसनर्स को कई बार मैंने बताया है कि आप उस बाथरूम को अगर बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कोई ना कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज लेकर आता है. अगर आप स्टेयर्स के नीचे से बाथरूम नहीं भी बंद कर सकते हैं, यूज नहीं करना चाहे उसको लॉक कर दीजिए, यूज नहीं करें, चाहे आप उसकी रेमेडीज भी लें, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस जरूर होगी कि आप उसे बंद करें. अब इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में किचन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हो या किचन हो या साउथ ईस्ट में बेडरूम हो. नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा तो घर की फीमेल को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहेगी, माइग्रेन पेन रहेगी, तकलीफ रहेगी उनकी. उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप दो रेमेडीज ले सकते हैं. एक तो अगर आप चाहें तो जो डिवाइन टेक्निक्स है उसकी हेल्प लेके शिफ्ट एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, और या आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो कुकिंग स्टोव है उसके चारों तरफ में आप चांदी का तार लगा दीजिए. खाना बनाते वक्त वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही हैं? खाना जब बनाती है वो फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस कर रही हैं. तो वहां पर आप जब खाना बना रही है साउथ की तरफ फेस कर रही है, तब वहां पे चांदी का तार बिल्कुल नहीं लगाइए. आप एक काम कर सकते हैं, जहां पे वो खाना बना रही हैं साउथ की तरफ, तो बिल्कुल पीछे उनके नॉर्थ की वॉल आ जाती है. जहां नॉर्थ की वॉल आ रही है वहां पर एक छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा दीजिए. ठीक है, हम आपको बाद में भी कॉल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं आप हमको 510-868-3338. थैंक यू वेरी मच. यू वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. रेवा जी, आज इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं तो क्या कहते हैं रैफल छोड़ के हम कॉल्स पे ही फोकस करें? चलिए तो लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल. रेवा जी, एक सवाल था. एक बार मैंने सुना था कि आपने कहा था किचन नॉर्थ ईस्ट में हो तो ठीक नहीं होता है, तो अगर मेरा किचन नॉर्थ ईस्ट में है एंड वाइल आई एम कुकिंग आई एम फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मेरा स्टोव ऐसे डायरेक्शन में है, तो क्या वो नेगेटिव है? देखिए, अभी आपसे पहले भी जो अभी हमारे से कॉलर बात कर रहे थे तो उनसे भी यही बात कर रहे थे. नॉर्थ ईस्ट में किचन अगर होती है तो वो आपको हेल्थ इश्यूज लेकर आ जाती है, करियर मनी से जुड़े हुए इश्यूज लेकर आती है. इट इज नॉट एडवाइजेबल. तो इज देयर अ रेजोल्यूशन और समथिंग? जी हाँ, ऑफकोर्स, वाई नॉट, बिल्कुल यही हमारी स्पेशलिटी है कि जहां पर जैसे कि ये किचन नॉर्थ ईस्ट में है, अब इसकी एनर्जी कहां जाना चाहिए? साउथ ईस्ट में जाना चाहिए. साउथ ईस्ट जो आपका वीनस प्लैनेट से रिलेटेड है, घर की फीमेल से रिलेटेड है, इसको अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं विथ जो हमारी डिवाइन टेक्निक्स हैं उसको हम यूज करेंगे. वहां से एनर्जी को शिफ्ट करके साउथ ईस्ट की तरफ एनर्जी ले जाएंगे. तब चाहे किचन आपका नॉर्थ ईस्ट में रहे, लेकिन जब उसका एनर्जी साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वीनस को एनर्जी मिलेगी, फायर को जब अपनी प्रॉपर जगह एनर्जी मिल जाएगा तो आप उसकी नेगेटिविटी से पूरा बच जाएंगे. सो शुड आई बी कॉलिंग यू लेटर टू गेट द डिवाइन टेक्निक्स? यस जी हाँ, लेकिन डिवाइन टेक्निक के लिए भी मैं आपको भी बताऊंगी, अपने बाकी लिसनर्स को भी, कि इसके लिए हम विजिट करना जरूर चाहते हैं. इसका रीजन ये है कि सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट ही है, क्या नॉर्थ ईस्ट के साथ में मेरे पास साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है? अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट में क्या है, उसकी एनर्जी को कहां शिफ्ट करना है? अगर सपोज कर लीजिए साउथ ईस्ट में आपका गैराज है और मैंने नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी सारी साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर देती हूं तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो व्हाट आई हैव टू डू, साउथ ईस्ट की एनर्जी को मैं स्विच करूंगी जिससे रिलेटेड एलिमेंट से है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट को करूं या कहां, फिर उसके नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को शिफ्ट करेंगे हम साउथ ईस्ट की तरफ में. तो मेरे को यही एडवाइस है कि या तो आप शो के बाद हमें कॉल करें 510-868-3338. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट. थैंक यू. यू वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. लेके रहे हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. रेवा जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू यू, यू आर गिविंग वेरी गुड नॉलेज, यू नो, एंड एडवाइस. यू आर ऑलवेज वेलकम. गॉड ब्लेस यू डियर.
थैंक यू रेवा जी, आई वांट टू नो, आपने जो रेमेडी बताई थी धनतेरस वाले दिन, अब जिन लोगों ने वो एक दिन बाद करी है, यू नो दिवाली का दो दिन है वो चल रहा था जी, तो जैसे कई लोगों ने धनतेरस वाले दिन नहीं करे, दूसरे जिस दिन धनतेरस आप लोगों ने करी दूसरे दिन करी जी, जी, तो वो उस पानी को किस दिन यूज कर, मतलब उसके लिए समय आज से शुरू हो गया, आज से लेके कल फ्राइडे तक, फ्राइडे क्योंकि कल फ्राइडे भी लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मेरे बाकी सभी लिसनर्स भी, जो हमने आपको धनतेरस के दिन आपको ये टिप दिया था, उसको आप आज से लेके कल तक किसी भी समय तक कर सकती हैं। तो क्या करेंगे, जो वो पानी आपने रखा था जिसमें आपने चांदी का सिक्का डाला था, उस चांदी के सिक्के को आप अपने लॉकर में, आप अपने पैसे की जगह पे सेव करके रखेंगी, जो वो पानी है उसको घर के किसी प्लांट में डालेंगी घर के अंदर, उसको फ्लश नहीं करेंगी, सिंक में नहीं डालेंगी, और जो चावल है वो चावल आप खुद यूज करेंगे, अपने घर के आप ही लोग खा सकते हैं, कोई गेस्ट नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं है, दैट इज मनी। और जो आपने उसके अंदर में छोटे पैनीज रखी थी, उन पैनीज को आप अपने राइस कंटेनर में परमानेंट रखें। इसका लॉजिक ये है बिकॉज राइस इज द सिंबल ऑफ मनी, पैसे का सिंबल है, और जब कॉपर उसमें रखेंगे तो इसका मतलब कि लक्ष्मी स्थिर आपके घर में रहे। साथ ही साथ जो $100 का बिल मैंने रखे थे, दो बिल्स रखवाए थे, उन बिल को आप अपने पर्स में हमेशा संभाल के रखें, अपने हस्बैंड के पर्स में भी रखें संभाल के। आपके पास में पूरा साल है, मैं आपसे जरूर कहती हूँ कि आपके घर में माँ लक्ष्मी पूरा वास करेगी और आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। थैंक यू रेवा जी, थैंक सो मच, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कॉल यू, यू नो माई होम, बट आई डोंट नो व्हाट इज अ गुड टाइम, यू नो टू कॉल यू। कोई बात नहीं, आप मुझे जब चाहेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी, नथिंग टू वरी, यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और लिसनर्स, अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमारे पास 10 मिनट और हैं, रेवा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप फोन कर सकते हैं रेवा जी से, स्टूडियो नंबर पे बात कर सकते हैं 5107701550, दैट इज 5107701550। और अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं रेवा जी से 5108683338 पर, 5108683338 पर। रेवा जी यहाँ पे एक छोटा सा 3 मिनट ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, हमारे अपने आज हम ट्रिविया नहीं प्ले कर पाए लेकिन स्पॉन्सर्स को जरूर हम लेंगे। बिल्कुल, हम स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे। जी अच्छा, When it comes to insurance and financial products that provide death benefit, protection for your family, home and other personal obligations, call Mandeep Bajwa of New York Life Insurance Company. Whether you need help in college education fund plans, retirement planning or long-term care, Mandeep is well qualified to provide solution for all your insurance needs. Call Mandeep at 925-922-2043 and book a personal appointment to get a peace of mind. CA license number OH91161. वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 एम या फिर 99.7 एफएम SD3 पे। शो यहां चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। हमारे साथ में जुड़ी हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट हु हैज अ PhD इन वास्तु और 30 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका वास्तु साइंस में, वास्तु की प्रैक्टिस में। सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं रेवा जी से कोई भी, तो आप स्टूडियो नंबर पे फोन कर सकते हैं, दैट इज 5107701550। रेवा जी लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी नमस्ते, आप नमस्ते, आई होप यू डोंट माइंड फॉर माय क्वेश्चन। हमारा जो घर है ना, एक इरेगुलर प्लॉट में है, जैसे सामने नैरो है और बैकयार्ड जैसे होता है वो बहुत ही ब्रॉड है। हाँ जी। मतलब कॉर्नर की लाइक 3 or 4 कॉर्नर है, उससे कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? घर तो बीच में बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन जो प्लॉट है सामने नैरो है और पीछे लाइक एक्सटेंडिंग है। बिल्कुल, क्योंकि अगर नैरो है पीछे एक्सटेंडेड है, तो पहले आप ये देखिए कि वो कॉर्नर्स क्या एक्सटेंडेड हैं। अगर नैरो और पीछे से ब्रॉड है, क्या वो ट्रायंगुलर शेप तो नहीं दिखाई दे रहा? या पर्टिकुलर अगर हम उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप अगर लॉट को देते हैं, तो कौन सा कॉर्नर हमारा ज्यादा एक्सटेंडेड है, ये हमको देखना है। ज्यादा एक्सटेंडेड साउथ वेस्ट का कॉर्नर है। अगर साउथ वेस्ट का एक्सटेंडेड कॉर्नर है, इट मीन्स कि अर्थ एलिमेंट हमारा बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। तो अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, तो उसी तरह हो सकता है साउथ ईस्ट भी, क्योंकि एक ही लाइन में अगर दोनों एक्सटेंडेड है, एक तरफ साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो गया, एक तरफ साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड हो गया। साउथ ईस्ट तो क्या बोलते हैं, अपना नैरो हो गया ना, तो वहाँ पे तो सिस्टर ड्राइवे है। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आगे से नैरो है, पीछे से ब्रॉड है। ठीक है, जब आप ये आगे से नैरो है, साउथ वेस्ट अगर हमारा एक्सटेंडेड है, तो साउथ वेस्ट की अगर पैरेलल लाइन लिखेंगे
अगर आप जैसे अपने बैक यार्ड में खड़ी हैं, पीछे देख रही हैं, साउथ वेस्ट आपके राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में साउथ ईस्ट हो जाएगा। मेरा तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। हाँ जी, मेरा जो अगर हम पीछे जाते हैं तो अगर पीछे देखते हैं बैक यार्ड तो लेफ्ट में साउथ वेस्ट, तो राइट में वो नॉर्थ वेस्ट है। मतलब कि आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। हाँ जी। जब नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो आपका घर सामने जब देख रहे हैं तो आप साउथ वेस्ट बैकयार्ड में जाएंगे तो साउथ वेस्ट दिखाई देता है। मीन्स कि एक आपका वेस्ट एक्सटेंडेड हो गया, एक आपका कॉर्नर साउथ एक्सटेंडेड हो गया। ठीक है जी। और जो आपका नैरो आ रहा है वो अगर नैरो लेकर जा रहे हैं तो आपका एक ईस्ट नैरो आ रहा है, एक आपका नॉर्थ नैरो आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है। जब ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट दोनों नौरो होंगे तो हमारे को अपने पैसे से जुड़ी तंगी की तरफ से निकलना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा वेस्ट एक्सटेंडेड है, दैट इज रिलेटेड विद आपके बच्चे, बेटा है, बेटी है, बेटी है, तो उसके लिए, बेटी के लिए तो ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों से जुड़ा आप स्ट्रेस अपने ऊपर ले सकती हैं, क्योंकि वेस्ट एक्सटेंडेड हो गया तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसका नैरो हो जाता है, जिससे इमोशनली आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, पैसे से, इन सब चीजों से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। करेक्ट। या इमोशनली हेलो, आपको आवाज इमोशनली आपको जहाँ इमोशनली इमोशनली तो उसके लिए आपको इसको प्रॉपर शेप देनी बहुत जरूरी है, जिसकी आप पूरी डिवाइन टेक्निक से आप हेल्प ले सकते हैं। हम आपके लॉट को बिल्कुल छेड़े बिना पहले इस लॉट को प्रॉपर शेप देंगे, इसको शेप देकर ही मैं आपको रेमेडीज बाकी बता पाऊंगी। अच्छा जी। तो यू विल हैव टू विजिट द हाउस। जी बिल्कुल। आप एक्चुअली रेवा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं बाय कॉलिंग 510-868-3338। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन रेवा जी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय, आई हैव अ क्वेश्चन टू रेवा जी। जी हाँ बताइए। या एक्चुअली माय हाउस इज फेसिंग ईस्ट and it's a cul-de-sac actually, and we have the north, southeast, southwest and the northwest extended. Mm-hmm. As the previous caller mentioned, they have the narrow in the front and they mm-hmm. and it's like broader in the backyard. Mm-hmm. And the other thing is like we have a pool exactly like in the backyard. It would be west. Yeah. Mm-hmm. The pool is in the south, southwest. Sorry? Pool is in the southwest. Not in the southwest exactly, but it's like in the middle of the plot. Mm-hmm. It's not totally in the west or not totally in the south. It's like we have a house in the towards facing the east, and we have the pool exactly outside of the house. And after the pool, it's like 10 feet, and we have this fence. Mm-hmm. Over the house. Mm-hmm. And it's like the house is cul-de-sac and we have the extension of the southeast, mm-hmm. southwest and northwest. Mm-hmm. Yeah, it's like a trapezoid shape. आप थोड़ा so, हमें बताएंगे आप इस प्रॉपर्टी में कब से रह रही हैं? सिंस अ ईयर। इस प्रॉपर्टी में आने के बाद में अब ध्यान से थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी। दिस इज द नॉर्थ फेसिंग कह रही हैं आप, ठीक है? Uh-huh. हाँ जी। अगर नॉर्थ फेसिंग है और हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ जाता है, वहां पर स्विमिंग पूल है। ये घर जो होते हैं आपको, क्योंकि इसके कॉर्नर्स भी आप एक्सटेंडेड बता रही हैं कि कॉर्नर्स हैं, ऐसे घर जिनको हम हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, ये आपको पैसा इमीजिएटली देगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जहां साउथ हमारा एक्सटेंडेड है, वेस्ट एक्सटेंडेड है, साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल होगा, तो ये आपको एक स्नेक लैडर की तरह काम करता है। मीन्स कि एकदम आपको ऊपर ऊंचाई पे ले जाएगा और फिर लाके ये नीचे फेंकता है। जैसे कि घर का मेल मेंबर्स हैं, उनको जब साउथ साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को अगर हम डिक कर देते हैं तो घर के मेल मेंबर को बहुत स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। और ऐसे घर जो करते हैं 21 महीने, मतलब किस प्रॉपर्टी में आने के बाद में आफ्टर 21 मंथ्स, 21 महीने के बाद में ये स्ट्रेस देते हैं। तो मेरी आपसे ये एक एडवाइस जरूर है कि या तो स्विमिंग पूल को यूज ही मत करिए, उसको बंद कर दीजिए, पानी मत रखिए। अर्थ एलिमेंट को डिक नहीं किया जाता साउथ वेस्ट में।
उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द एनर्जी फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. और साथ ही साथ जो हमारा साउथ एक्सटेंडेड है, वेस्ट एक्सटेंडेड है, वेस्ट इज रिलेटेड विथ योर चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड है, साउथ आपका एक्सटेंडेड है, जो वो एक्सटेंडेड होगा मास तो कई बार वो लेकर आ जाता है. इसका मतलब साउथ एक्सटेंडेड होगा तो साउथ ईस्ट मिसिंग आ गया, जो घर की फीमेल्स को भी प्रॉब्लम्स लेकर आता है. तो मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि स्विमिंग पूल को जरूर से जरूर ठीक करवाएं और बाकी लॉट की शेप भी दें. ओके, सो हाउ कैन वी रेमेडी दैट? आप उसके लिए आप हमें शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं 510-868-3338. 510-868-3338. यस. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन रेवा जी. हमारे पास 3 मिनट से भी कम समय बचा है, बट वी डू हैव कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो लेते हैं फटाफट से अगला कॉल. जी हाँ, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ जी रेवा जी, मेरा एक आपसे सवाल है. जो आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए जी, तो गैस मतलब नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी घर में भी जो नॉर्थ ईस्ट की कॉर्नर है वहाँ गैस है, लेकिन पीछे फ्रिज है, जो काफी प्रॉब्लम मतलब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है. तो मैंने वो धनिया भी रखा है जो आपने बोला है, सभी को बोलती हैं आप धनिया रखिए ऊपर. और एक आपने जी बताइए बताइए. हाँ जी, हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए. हाँ जी, वो एक आपने गोल जो शीशा बोला है आपने मिरर रखने के लिए सामने, जब आप खाना बनाती है तो उसमें आपका चेहरा दिखना चाहिए, वो साउथ के साउथ में फेस हो जाएगा. गलत, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो, मैं हर किसी को अलग अलग रेमेडी देती हूँ. वो जो हमारे से पूछ रहे थे, उनका नॉर्थ ईस्ट में किचन था लेकिन वो साउथ की तरफ फेस करके खाना बना रही थी, इसलिए गोल शीशा नहीं लगाया वहां पर, स्क्वेयर या रेक्टेंगल शीशा नॉर्थ वॉल पे लगाया. अब आप अगर साउथ वॉल पे आप शीशा लगा देंगे तो बहुत नुकसान देगा. और नॉर्थ वॉल पे मैंने लगाया. आपको नहीं, आपका नॉर्थ वॉल पे लगाने की जरूरत शीशे की नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब खाना बना रही हैं, आपका किचन ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ रहा है, तो वहां पर आप सिल्वर वायर लगाएंगी, प्लस वहां पर आपको जो मैंने कोरिएंडर सीड्स का बोला है वो रखेंगी, या वहां की उसकी एनर्जी को शिफ्ट करवा सकती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक. ओके ठीक है जी, यही मेक श्योर करना था, बस यही करना था. थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग. रेवा जी लेते हैं अगला कॉल. हमारे पास में 1 मिनट से कम है, लेकिन अब मैंने बोला तो ले लेते हैं, ये भी बहुत देर से होल्ड करके बैठे हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. नमस्ते रेवा जी. नमस्ते जी. मुझे आपके लिए एक सवाल था. हम लोग लास्ट ईयर घर नया लिए थे, और जब से घर लिया है कुछ न कुछ रेनोवेशन चलता ही जा रहा है घर में. कभी ड्रेन पाइप ब्रेक हो गया, कभी अभी बाथरूम में लीकेज आ रहा है, तो सब वाटर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं. तो मुझे पूछना था कि कुछ कारण हो सकता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. मैं आपका ये सुगे, मुझे कुछ रिसेंटली मैंने एक और भी विजिट किया, वाटर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, वाटर ड्रेनेज का भी, वाटर ब्लॉकेज का, एंड दिस इज रिलेटेड विथ मनी. वो क्या लेकर आता है, अगर वाटर का प्रॉब्लम हो तो अनवांटेड एक्सपेंसेस, पैसे का लॉस हो जाएगा, बेवजह बैठे बिठाए आपको पता चलेगा कि कहीं खर्चा हो रहा है, या आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टेगनेट हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी. उसका कारण ये कि घर के फैमिली मेंबर्स कितने वाटर एलिमेंट से रिलेटेड हैं, उसका भी कॉज है. प्लस अगर आप वाटर एलिमेंट से रिलेटेड हैं, वाटर का लॉस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान है. कहीं आप नॉर्थ ईस्ट में सो तो नहीं रही हैं, या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम तो नहीं है, या साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में किचन तो नहीं है. वहां पर अगर होगा, और उसी के बिल्कुल अगर आप डायगनली देखेंगी, साउथ वेस्ट का लेवल अगर नीचे होगा, या साउथ वेस्ट का आप कह सकते हैं कि शेप मिसिंग है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं. तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या है कि आप पहले ये चेक करें कि हमारे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्या है और साउथ वेस्ट का फ्लोर लेवल क्या है. ओके नॉर्थ ईस्ट में शायद एक बाथरूम आता है, मतलब नॉर्थ में बाथरूम आता है और ईस्ट फेसिंग डोर है जी. जिससे वॉट आई एम सेइंग, मैंने आपसे तभी कह रही हूँ कि आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जरूर या तो आप सोती होंगी, या बाथरूम होगा, या किचन होगी, और उसी का आप बिल्कुल लेवल में देखिए साउथ वेस्ट में क्या आता है, वो उसका फ्लोर लेवल क्या है. ओके ओके ठीक है जी, तो फिर मुझे आप ईमेल करिए, मैं आपको जवाब दूंगी. थैंक यू
थैंक यू फॉर कॉलिंग इन रेवा जी. अनफॉर्चुनेटली ना हम लोग हमारा समय यहाँ जो शो का खत्म हो जाता है, बट थैंक यू लिसनर्स फॉर कॉलिंग इन एंड सॉरी जिन भी लिसनर्स से हम बात नहीं कर पाए. आप रेवा जी से डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हैं ऑन 5108683338. रेवा जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन एयर सबके लिए आने के लिए. हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा थैंक यू. और इसी तरह से ट्यून इन रहिएगा और सुनते रहिएगा और ढेर सारी वंस अगेन तो अनुसारे अनु गुरपुरब दी बहुत बहुत बधाइयां हों. इंजय वद्दी जाओ अग्गे चली जाओ. आपने जो भी बोला रेवा जी बहुत मजा आया सुन के. मुझे पूरा समझ में नहीं आया बट यस थैंक यू. आगे बढ़ते जाओ. ऑल राइट लिसनर्स थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. सुनते रहिए डिवाइन जंक्शन होता है एवरी वेंसडे 9 to 10 इन द मॉर्निंग और डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी थर्सडे को 2 to 4 ओनली ऑन रेडियो जिंदगी. जिए जा जय माता दी. जय माता दी. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.